सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हम आपको लेके जा रहे हैं सरोजनी नगर, क्योंकि मम्मी, चाची और मेरी वाइफ को सबको शॉपिंग करनी थी। चलिए सरोजनी नगर, वहाँ की सेल दिखाएंगे सारी आपको, जितना भी डिस्काउंट चल रहा होगा सब कुछ। लेडीज़ों के लिए तो समझो वो बाहर है वो जगह, वहाँ लेडीज़ों के तो इतना आइटम मिलता है पूछो मत। बाकी लड़कों के भी आइटम दिखाए जाएंगे आपको, कंप्लीट पूरी मार्केट एक्सप्लोर की जाएगी आज, ठीक है? तो बने रहे मेरे चैनल पे और वीडियो देखें पूरी। अब हम लोग पहुंच गए हैं सरोजनी नगर मार्केट में, हमने खड़ी कर दी अपनी गाड़ी, अब चलते हैं मार्केट की तरफ। आगे ये तीन देवियां मेरे आगे चल रही हैं। आप लोग यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ कितनी भीड़ होगी, देखिए कितनी भीड़ है। और कभी भी भूल के सैटरडे संडे में यहाँ ना जाए। ये 250 रुपए की है, कोई सी भी जैकेट ले लो 250 में। अच्छा, और ऊपर वाली? अच्छा अच्छा, नीचे वाली 250 की है। ये एंट्री करते ही हल्दीराम के सामने मिल जाएंगे अंकल, देख लेना। यहाँ पे हमने देखी 200 की सेल चल रही थी लड़कियों की जीन्स पे और ट्राउजर्स पे, और इधर की तरफ भी क्रॉप टॉप वगैरह ये सब चीज़ें थी। एंट्री करते ही सामने और भीड़ बेशुमार थी यहाँ पे, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, देखो। फिर हम लोग आए पर्स की दुकान पे, यहाँ 250 रुपये की सेल थी पर्स पे। कोई सा भी पर्स ले लीजिए आप लोग, 250 रुपये में एक पर्स था, और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी 250 के हिसाब से। जो पर्स लक्ष्मी नगर या फिर अच्छी जगहों पे 1000-1200 रुपये के मिलते हैं ना, वो पर्स यहाँ मात्र 250 में थे। बहुत सस्ती मार्केट है यार ये लड़कियों के लिए तो, बहुत ही ज़्यादा। अब हम थोड़ा सा आगे चले तो हमें दिखे स्टॉल्स 150 रुपये सेल में, और इनका जो फैब्रिक था वो काफ़ी अच्छा था, और ये वॉर्म थे मतलब गर्म थे, और 150 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स थे। अब ये देखिए सामने ब्लैंकेट्स हैं 350 और 550 के रेट में, इससे सस्ते ब्लैंकेट आपको कहीं मिल सकते हैं बताइए। अब हम आ गए मेंस की जैकेट्स की तरफ, ये 500 की सेल थी यहाँ पे। मेंस की तो काफ़ी कम दुकानें हैं लेकिन लेडीज़ की बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। अब हम लोग आ गए हैं लेडीज़ के कोट्स की दुकान पे, यहाँ सारे लेडीज़ों के कोट थे। पर कोट का प्राइस था 550, और बहुत ही अच्छे फैब्रिक के कोट थे, और ये नीचे आपको क्रॉप टॉप या फिर वॉर्म टॉप बोल सकते हैं, 100-100 रुपये की सेल थी इनकी। देखिए तो कोट भाई कोई फेल नहीं कर सकता 550 रुपये में, इतने बढ़िया कोट यहाँ पर, इतने बढ़िया बढ़िया कोट और टॉप्स वगैरह मिल जाते हैं इतने सस्ते में, तभी तो ये लड़कियों की फेवरेट मार्केट है। यहाँ पर बच्चों का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था, 250 रुपीज़ में आपको पूरा बच्चों का कंप्लीट कलेक्शन मिल जाएगा, मतलब एक सिंगल ड्रेस, और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इन चीज़ों की यार सच्ची। अब हम लोग आ गए यहाँ पे सूट खरीदने के लिए, हमारे घर वालों ने यहाँ 4 जोड़ी सूट खरीदे, वो भी गर्म सूट, मात्र 350 रुपये का एक सेट था पूरा सूट का। और इन्होंने सस्ता देख के 4 खरीद लिया, घर आके भी चेक करा तो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और गर्म भी है सूट, इससे सस्ता यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर हम लोगों ने यहाँ से कुछ हुडी ली जो 200 रुपीज़ की हमें ईच पड़ी, और बहुत अच्छी अच्छी हुडी थी यार, 200 रुपये में कहाँ मिलती है हुडी, और यहाँ देखो 100 रुपये में पजामे, लेडीज़ पजामे थे हालांकि, लेकिन यार बहुत सही थे जो भी थे, है ना। ये स्टाइलिश बेल्टें थी 150-150 रुपये के हिसाब से थी, आपको एक लेनी है एक लो, 4 लेनी है 4 लो। इस मार्केट में प्राइस सारा 100, 150, 200, 300, 400, 500, लास्ट 550, इससे ज्यादा ऊपर के कोई कपड़े नहीं। प्लाजो लो, पेंट लो, लेगी लो, जेगी लो, जेगी लो, प्लाजो लो, लो यार। शॉपिंग करके सामान रखते हुए इस शॉप में सेल चल रही थी 150 की, यहाँ 100 रुपये की, मतलब यही सब था, जगह जगह यही सेल थी, 200-200 रुपये में जैकेट देखिए, कितनी अच्छी अच्छी हुडी और जैकेट हैं। और देखिए मेंस कलेक्शन है, 100-100 रुपये की वाइट रंग की शर्ट्स या फिर टॉप बोल सकते हैं आप इन्हें लड़कियों के लिए, वो मिल रही थी। और अब चलते हैं आगे की तरफ, ये 250 रुपीज़ का पेयर था चप्पलों का, और काफ़ी अच्छी अच्छी और डिज़ाइनर चप्पलें थी ये, देखिए ढंग से देखो, बिल्कुल क्लियरिटी में देखना सब, है ना मज़ेदारी चप्पलों में या नहीं।
घर पे देखते रहोगे या फिर यहाँ लेने भी आओगे? जल्दी जल्दी आ जाओ सारे। और शॉप के अंदर भी सेल थी अलग अलग। अब हम लोग आ गए मेंस जैकेट्स पे, जो 300 की ईच थी और काफी अच्छी वैरायटी थी इनके पास जैकेट्स में। देखिए 300 की थी, फर वाली भी और भी ये बहुत सारी थी यार। पैसा एकदम वसूल, 300 में क्या मिलता है यार आजकल। ये मम्मी थक के बैठ गई। हाँ अच्छा, सॉफ्ट लग रहा है ये। अब हम लोग आ गए शॉल्स की दुकान में, जिनका प्राइस था 250 ईच और काफ़ी मुलायम शॉल थे ये और गर्म भी थे काफ़ी। हमारे घर वालों को बहुत पसंद आई है। यहाँ पर लड़कियों के गले के नेकलेस वगैरह मिल रहे थे, जो कि 100 का ईच था और काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये देखने में तो। और बाकी भाई मुझे इतनी नॉलेज नहीं है लड़कियों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। बाकी ये मोबाइल कवर वगैरह की शॉप थी और नेकलेस इसने ही लगा रखे थे ये। अब हम आ गए बच्चों की शॉप पे, 100 रुपीज़ में बच्चों की ड्रेस थी यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी और बहुत बड़ी दुकान में सारे बच्चों का ही सामान था इसमें। तो आपके छोटे बच्चे हों तो आप यहाँ 100 रुपये के हिसाब से काफ़ी सारे कपड़े ले आ सकते हैं, जो पूरे विंटर में पहन सकता है। अब जो आप सामने नेकलेस देख रहे हैं 200 का था ईच, और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे, इसके साथ कानों के भी थे और मांग टीका भी था, बहुत अच्छे नेकलेस थे और चूड़े भी। अब हम इयररिंग्स देखने आए तो यहाँ 30 और 50 दो रेंज के इयररिंग्स थे ये और काफ़ी अच्छे लग रहे थे 30-50 की रेंज के हिसाब से। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं ये। इनमें से भी ले लेंगे भैया। अब हम आ गए जूतीज की शॉप पे, जो कि 150 से स्टार्ट होके 300-400 तक की थी और इस मार्केट में सैटरडे संडे इतनी भीड़ रहती है, आप लोग परेशान हो जाओगे भीड़ से। तो सैटरडे संडे इग्नोर करना, आप वैसे कभी आना। मैं चाह रहा हूँ गाड़ी की तरफ अपनी। सरोजनी नगर में अगर आप गाड़ी रोड पे पार्क करते हैं तो मान तो प्लॉट है किसी का बन रहा यहाँ खड़ी है, तो ऐसे उठा के ले जाते हैं ट्रैफिक वाले। देखो शिफ्ट दिख रही है, बेचारा खड़ा करके गया होगा और ले गए ठाके वाके शिफ्ट। हाँ देखो ले गए उठा के। इसलिए भाइयों कभी भी यहाँ पर आएँ तो पार्किंग का लालच ना करें, 20 रुपये की पार्किंग है मात्र, पार्किंग में लगाएं। ये गाड़ी उठा के ले जाता है, गाड़ी के ब्रेक शू घिस जाते हैं पिछले, हैंड ब्रेक खींचे रहता है क्योंकि सबकी गाड़ियों के, प्लस 500-700 रुपये चलान काटेंगे, गाड़ी का नाश अलग होगा, तो 20 रुपये दे के टंटा काटो। हाँ अगर ये तो हमारी तरफ प्लॉट खाली मिल जाए, अंदर की तरफ जो गाड़ियाँ होती हैं उन्हें नहीं उठाते, जिन गाड़ियों की वजह से रोड पर जाम लग रहा हो उन्हें उठा लें ये, ठीक है ना। तो ऑन रोड तो खड़ी ही मत करो, कोई प्लॉट प्लाट दिख जाए किसी का कम बढ़ा दो, ना टोके तो कोई, ठीक है भैया। गाड़ी उठाओ अभियान चल रहा है, वो होंडा सिटी वाला बेचारा 2 मिनट पहले आ गया है, बलेनो वाला तो चलो आगा और टका रखे बलेनो, तो खींच के बाहर को करा उसका मुँह दस्ती से। बलेनो का दिखाता जूम करके देखो, अरे आगे का मत था खींचा बाहर को, देखो अभी और आ गई, बलेनो का मुँह बाहर आ गया, देखो अंदर दबी पड़ी वाले ना तो। बड़े भाई तगड़े लफड़े हैं इनके, अब उठेगी बोले ना। होंडा सिटी वाले अभी आया है, टाइम देख के उठा रहे हैं ये, देखो अब होगी टोचन। ट्रैफिक पुलिस वाला साथ में ले रखा है, बेचारे आके रहेंगे हमारी गाड़ी उठ की।
एक कर ली टोचन, तीसरी गाड़ी है भाई जो उठी है, ये देखते रहो इनका खेल। खेची है वो, पता नहीं क्या मार के साइड से बाहर को मत्था निकाला उसका, मत्था अंदर ना दबा हुआ भाई इसका, गाड़ी का नुकसान अलग कर रहे हैं, खींचने खाँचने में बम्पर निकल जाएगा किसी कुछ, और चलाना अलग 500-700 जो भी हो, 500 का ये नो पार्किंग का तो टोचन के अलग लगा देते हैं, वो बात अलग है। देखो आराम गिरदी कितनी आ रही हुई, पार्किंग रोड पे ही 20 रुपए की है आगे, वो नहीं उठाते कि वो उनकी जेब में आ जाए ना पैसे, तो कोई आदमी बेचारा लगा रहा मजबूरी में बेंच। भाइयों इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी पूछो मत, क्या लाए तुम पूरी भीड़ में ही बताओ। अरे भाई आज हालत खराब हो गई हमारी, हम सिर्फ इयर रिंग्स ले पाए हैं, कुर्ती लेकर आए हैं, स्टॉल लेकर आए हैं और एसी के कवर, हमें कुछ नहीं। इन्होंने मात्र 500 का सामान लिया, 1000 का तेल पकवा दिया मेरा, देख लो। नहीं 500 का नहीं लिया, 800-900 का था कुर्ता ही। 500 का सामान लेना, 1000 का तेल पकवा के आते हैं मेरे घर के। नहीं अब देख लो घर के कितने बढ़िया है, कितने का टूट लिया है। हम इतनी सारी प्लानिंग करके आए थे, ये लेंगे वो लेंगे, पर भीड़ इतनी थी हम कुछ नहीं ले पाए, सिर्फ हमने 2-4 चीज ली है, ज्वेलरी शॉपिंग हुई है और कुर्ती ली है, स्टॉल लिया है, बाकी कुछ नहीं। जिधर देखो उधर ही भीड़, जिधर देखो वो तो मैंने छोड़ के आ गया यहाँ गाड़ी पे जल्दी, सामने 4-5 गाड़ी उठी है पुलिस वालों ने जो उठाई है। भाई बहुत बुरा हाल है, कभी भी सैटरडे संडे में तो आना ही मत, बहुत भीड़ रहती है। ब्लॉगरों ने यहाँ आके ब्लॉग बना बना के ना इतनी फेमस कर दी सरोजनी नगर कि पब्लिक टूट के पड़ रही है। भाई भी एक आ रखा मराठी कैब वाला लेके आ रखा उसे, बोला मेरी 6 बजे फ्लाइट है, मैं फटाफट सरोजनी नगर घुमा दो, और रुका पड़ा उसे पैसे बोलूंगा एयरपोर्ट छोड़ेगा उसे। बहुत बुरा हाल है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, मम्मी तो हमारी खो गई, हम ढूंढने लग गए एक डायरेक्शन में, फिर छोटी माँ गई ढूंढने और एक में मैं गई, फिर हमने मम्मी को ढूंढने लगे, हम शॉपिंग भूल गए। अब हमें मम्मी को लेके नोएडा जाना है कैलाश डायलिसिस करवाने, इन्हें छोड़ के फिर इन्हें घर छोड़ के आऊंगा। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी। सब्सक्राइब तो अपने आप प्यार से कर ही देते हैं, बेचारे बहुत अच्छे हैं देखने वाले, मेरे ऑडियंस बहुत अच्छी है मेरी। तेरी तरह थोड़ी है खाने की ब्लॉग, इसका भी चैनल बन चुका है, बता दे अपने बारे में। लम्हे विद साक्षी, आपको उस पे कुकिंग रेसिपी मिलेंगी, सो आप जाइए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी 2-3 वीडियो डली हैं उस पे, लेकिन बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेंगे आने वाले टाइम में आपको। और कोई स्पेशल कंटेंट चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।